मुजफ्फरनगर का प्रेमी, ध्यान से सुनना, 6-7 साल पहले मुजफ्फरनगर पहली बार जाना हुआ, दरबार में भजन गाया, भर दे रे शाम झोली भर दे। पहली बार वो भगत कीर्तन में आया था, भजन सुन लिया, भर दे रे। उस दिन के बाद से 5 साल तक मैसेज आता रहा रोज, भर दे रे शाम झोली भर दे, रोज आता रहा। तो न जाने उसने मेरा नंबर कहां से ढूंढा, करता रहा। मैं भी रोज देखता और छोड़ देता। 5 साल तक उसके ये मैसेज आते रहे, भर दे रे। इसके अलावा कुछ नहीं लिखता था वो, कुछ भी नहीं लिखता था। 5 साल बाद उसका फोन आया, कन्हैया जी जय श्री श्याम। मैं बोला भाई कौन? बोले मैं वही पागल हूं जो आपको रोज परेशान करता था, भर दे रे शाम झोली भर दे के मैसेज कर कर। मैं बोला आज कैसे हिम्मत आ गई फोन करने की, आज भी मैसेज ही कर देता। बोला नहीं कन्हैया जी, आज रुका नहीं गया। मैं बोला कैसे? बोला 5 साल पहले जब मैं पहली बार आपके कीर्तन में बाबा श्याम के दरबार में आया था, आपने भजन गाया था भर दे रे शाम झोली भर दे, तब मेरी तनख्वाह 15,000 रुपए थी, मैं अकाउंटेंट था। मैंने बाबा से कहा बाबा मेरे भी अरमान बहुत बड़े हैं, मैं भी एक अच्छी गाड़ी चाहता हूं, अच्छा खाना पीना, अच्छा रहना सहना चाहता हूं, लेकिन 15,000 में कैसे बात बनेगी? कुछ ऐसी कृपा करो कि मैं भी दुनिया के सामने खड़ा हो जाऊं। पहले ही 2 महीने के बाद मेरा सेठ मुझे बोला कि भाई तुझे मेरे पास नौकरी करते हुए 10 साल हो गए हैं और तेरी तनख्वाह मैंने आज तक बढ़ाई नहीं है। कन्हैया जी 2 महीने के भीतर भीतर मैंने आपको भर दे रे लिखना शुरू किया था और मेरे सेठ ने मेरी तनख्वाह दुगनी कर दी, मेरे 30,000 तनख्वाह हो गई। उसके बाद भी मैं नहीं रुका, मैं आपको मैसेज करता गया। मैंने देखा कि 2 महीने के अंदर दुगनी हो गई है तो आगे भी बात और बढ़ेगी, फिर मैसेज करता रहा भर दे रे। 2 महीने के बाद और मेरा एक दोस्त मुझे मिला, बोला भाई मेरे पास पैसा है, तेरे पास अकाउंटेंसी का दिमाग है, पैसा मैं लगाता हूं, हम दोनों मिलकर छोटा सा व्यापार शुरू करते हैं, तेरे पास जो समय बचे उसमें लगा दे। मैंने उसमें समय लगाना शुरू किया, मेरी जो 30,000 तनख्वाह थी हमें व्यापार में 80,000 रुपया हर महीना बचने लगा, 40 उसके 40 मेरे, 4 महीने के अंदर मैं 70,000 का आदमी हो गया। कन्हैया जी आज 5 साल बाद मैंने उस समय बाबा को बोला था, बाबा कभी मेरे पास भी गाड़ी होगी तो तेरे खाटू दरबार आऊंगा। आज कन्हैया जी 5 साल बाद जो मैं भर दे रे मैसेज करता था भर दे रे शाम, आज 5 साल बाद मेरी खुद की फैक्ट्री है और आज नई गाड़ी ली है, खाटू श्याम जी जा रहा हूँ, रुक नहीं पाया इसलिए आपको फोन मिला दिया। ये बाबा की ही कृपा है। तू है मेरा मैं हूँ तेरा, सुनता नहीं इतना बता दे, जो बात है वो बोलनी पड़ेगी आज, जिसको तुम्हारा संग मिल गया, ये बाबा का दरबार है साहब। कीर्तन करवाता कोई है, बेड़ा पार कोई करवा जाता है, गाता कोई है, ताली बजाता कोई है, रिझाता कोई है, मनाता कोई है, सजाता कोई है, लूटता कोई है साहब। एक बार जिसको तुम्हारा संग मिल गया, मुश्किल से मुश्किल काम चल गया, हमको क्या लेना इस संसार से, हमको क्या, बस जल्दी बुलाना दरबार में, जल्दी बुलाना दरबार में, रूप सलोना ऐसा भाग गया, रूप सलोना, रूप की बात करते हो साहब, तोरण द्वार के रूप को देखकर फिदा हुई बैठी है दुनिया, मंदिर तो बात की बात है साहब। 3 दोस्त हैदराबाद के,
26 साल के, तीनों बाबा के दीवाने, चौथा भी दोस्त था लेकिन वो नास्तिक, नहीं जानता श्याम बाबा। फागुन का मेला आया, अब चारों हमेशा इकट्ठे जाते थे, जहां जाते थे तो तीन अकेले कैसे आते, चौथे को लेकर आना था। ध्यान से सुनना, रूप की बात बता रहा हूं बाबा के, मंदिर की नहीं, मंदिर के बाहर के रूप की। अंदर भी जाएंगे अगले भजन में, अभी बाहर ही खड़े लाइन में लगे हुए। ये पसीना वही 11 की रात का है जो लाइन में लग के दर्शन करते हैं, ये वो पसीना है, कहीं सोचो दिल्ली का आ रहा है। तीनों ने सोचा चौथे को भी लेके जाएंगे। चौथे को पूछा चलेगा क्या, अरे मैं नहीं मानता तुम्हारे भगवान भगवान को, अपन तो खाए पिए मस्त। बोले चल ले, तो खाने पीने की बात करता, वहां कड्डी कचौड़ी बड़ी स्वाद मिलती है। बोला मिलेगी, बोला हाँ, बोला चल चलो 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 चलो। अब उसकी भी टिकट करा दी। देखो जो पहली बार खाटू जाए सोच समझ के जाना, मेरी जिम्मेवारी नहीं है उसके बाद, क्योंकि जो चला जाता है फिर दोबारा उसको भेजने की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही चला जाता है। अब चौथा भी बोला चलो। चारों के चार जब खाटू पहुंच गए तो चौथे ने बोला कहां है भाई तुम्हारी कड़ी कचौड़ी। तीन बोले बाबा के दर्शन करने चलते, रस्ते में पड़ेगी तब खा लेंगे। बोला चलो चलो चलो। अब चारों लाइन में लग गए, तीन लग गए आगे, चौथा रह गया पीछे। अब बाबा के मेले की खासियत है, बाबा की लाइनों में प्रेमियों को प्रेमी पानी पिलाते हैं, प्रेमियों को। टेबल लगा हुआ था, एक प्रेमी जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम। अब चौथा नास्तिक था, बोले अंदर कौन सा भगवान होगा, यही पानी पिलाते हैं, यहीं पर सेवा हो जाएगी, बात खत्म। बोला 5 मिनट पिलाएंगे, कितने मिनट, बस। खड़ा हुआ फट्टे पे, जय श्री श्याम जय श्री श्याम। तीन आगे निकल गए, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा, 1 दिन 2 दिन। जब 2 दिन हुए बाकी 3 चिंता में पड़ गए। बोले कहां गया चौथा, इसके बाप को क्या जवाब देंगे जाके। बोला चलो थाने में चलते रिपोर्ट लिखाने, घूम गया। बोले खाटू का थानेदार सामरा ही है, सारे समझौते यही कराता है, मंदिर चले जाओ बात बन जाएगी। अब तीनों वापस मंदिर गए, अब वो रस्ते में पानी पिला रहा था। बोला वे आंखें देखिए तेरी, मोटी मोटी हो गई, अब मरने वाला है अगर 5 मिनट और पानी पिलाएगा तो। बोला क्या, अभी तो 4 ही मिनट हुए मुझे पानी पिलाते। बोला बावड़े मर जाएगा। उसके पीछे एक और भाई खड़ा था, बोला भाई साहब मैं 6 बार नहाया, 6 बार खाया, 6 बार सोया, लेकिन ये भाई अभी तक 1 बार भी ना सोया ना खाया ना पिया ना बैठा। जब उसको पता लगा कि मुझे 2 दिन हो गए पानी पिलाते, तब अपने सिर पे हाथ रखा और बोला दिखाओ मुझे ये खाटू वाला कौन है यार, जिसके बाहर इतना जादू है उसके अंदर कितना जादू होगा साहब, एक बार दिखाओ तो सही। रूप सलोना है, रूप सलोना है साहब, लिए दीवाना तेरा हो गया, दीवाना तेरा। और उसके बाद क्या बोला वो, साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा मिलने को दिल बेकरार है, मिलने को दिल बेकरार है। बोला भाई तुम तीनों से यारी करी थी कि चलो मौज मस्ती किया करेंगे, लेकिन सच कहता हूं तुमसे दोस्ती करे को 15 साल हो गए, ये नहीं पता था मेरी जिंदगी बदल दोगे तुम, आज मुझे खाटू लाकर तुमने निहाल कर दिया। हरे 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 तुम्हारे के प्रेम से, हरे हरे और हे श्याम बाबा, जो उठाए दोनों हाथ आप पकड़ लेना उनका हाथ, और जो बजाए ताली सातों जन्म करना रखवाली, और जो लगाए जयकारा उनका बनना सहारा। बोलो हारे के सहारे की, मेरे बाबा तू इतना दिल मेरा क्यों, देख कर तुझको जैसे बरसों की, खाटू वाला है तू, लीले वाला है तू, खाटू वाला है तू, लीले
क्या दूं तुझे, जो कुछ मेरा तुमने दिया, दिल की कहूं